भारत में कोरोना वैक्सीन की आज शुरुआत हो गई है। भारत में माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारे पहला पड़ाव का उद्घाटन भी किया है, अधिकृत घोषणा भी की गई। लेकिन वैक्सीन के दौरान मद्यपान करने के बारे में कोई भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत के पंतप्रधान ने संबोधित में कुछ नहीं बताया। कुछ दिन पहले हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने सवाल पूछा था कि वैक्सीन से पहले और बाद में मद्यपान करना चाहिए या नहीं। ऐसी खबरें सोशल मीडिया पे आ रही थी। इस सवाल की जानकारी देने के लिए हमने यह वीडियो आपके लिए बनाया है। ये वीडियो को पूरा देखिए। एबी नेटवर्क ने कुछ एक्सपर्ट की जानकारी लेते हुए और गूगल का सहारा लेते हुए हमने इसका जवाब ढूंढा है। एक्सपर्ट के कहने के अनुसार वैक्सीन लेने से पहले और बाद में इसका परिणाम विपरीत हो सकता है। इसके लिए मद्यपान करने वालों को वैक्सीन लेने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। एक्सपर्ट के मुताबिक मद्यपान करने पर इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। वैक्सीन लेने से कितने घंटे पहले और कितने घंटे बाद मद्यपान करना नहीं चाहिए। एक्सपर्ट ने बताया कि वैक्सीन लेने से 2 हफ्ता पहले और टीका लगने के बाद 6 हफ्ता मद्यपान नहीं करना चाहिए। गूगल पे खोज करके ऐसी जानकारी मिली कि रशिया की स्पुतनिक वैक्सीन लेने से पहले 2 हफ्ता और टीका करने के बाद 6 हफ्ता मद्यपान नहीं करना चाहिए, ऐसी जानकारी हमें मिली। कुछ एक्सपर्ट के मुताबिक टीका लगने से 3 दिन पहले और टीका लगने के 3 दिन बाद मद्यपान नहीं करना चाहिए, ऐसी सलाह दी है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।